नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं इस वक्त PMFO न्यूज़। आज जो हम जानकारी आपसे साझा करना चाहते हैं, पशुपालन के खुले मैदानों में जो भैंसें यहाँ पे चर रही हैं, इनका क्या फ़ायदा है, और जो घर के अंदर हम चराते हैं, ठाण पे जो पशु चराते हैं, उनमें क्या अंतर है, इसकी बात करें तो ये देख पा रहे हैं तस्वीरों में पशु यहाँ पे चर रहे हैं। और जो पशुपालक है इन भैंसों को यहाँ पे चरा रहे हैं, वो किसान भी हमारे साथ हैं गांव कैमरी से। दोस्तों हमारे साथ में गांव कैमरी से जो किसान हैं, जो पशुपालक है, कुलदीप बेनीवाल है, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कुलदीप जी नमस्कार। तो बहुत अच्छी भैंसे पाल रहे हैं और मैदान में खुला चरा रहे हैं, तो क्या कारण है इनका? कारण है ये अच्छी सेहत रहे इनकी और अच्छा दूध बन जाए। तो क्या फर्क महसूस होता है जो आप खूंटे पे बांध के रखते हैं पशु पालते हैं और इस तरह से मैदानों में खुले में पशु चरा रहे हैं? इनका फायदा तो यही होता है कि इनकी सेहत अच्छी हो, कोई बीमारियाँ ना आए और दूध अच्छा दे, फैंट अच्छी आए, यही फायदा है। खूंटे पर खड़ी होती है उनको कम फैंट आए और भैंसों में बीमारी आ जाती, कमजोरी आ जाती। तो कुलदीप जी कितने सालों से जो है पशु पालते हैं? मैं 20-22 सालों से पशुओं पहले भी घर में पालते थे पशु। हाँ पहले भी पालते थे एक एक दो दो, अब तो 7-8 हैं। तो दूध की बात करें तो कितना दूध आप जो है पर डे जो है पैदा कर लेते हैं अपने पशुओं से, निकाल लेते हैं? एक भैंस का 14-15 किलो दूध निकालते हैं सुबह शाम का, दोनों टाइम का। हाँ जी, तो टोटल दूध आप कितना लेके जाते हैं? टोटल दूध में 50 किलो दूध लेकर जाता हूँ फिलहाल। तो आप तो स्वयं ही जाते हैं शहर में बेचने के लिए? हाँ कई सालों से। हाँ खुद जाता हूँ, खुद ही सप्लाई करके आता हूँ घरों में। तो क्या भाव अभी चल रहा है दूध का गांव में क्या चल रहा है और शहर में क्या चल रहा है? गाँव में 45-47 रुपये किलो के हिसाब से लेते हैं और आगे 55-60 लेते हैं। 5-10 रुपया तो मार्जिन चाहिए आपको? हाँ 5-10 रुपये मार्जिन। तो अभी जो पशु है आपके पास में, आप चरा रहे हैं यहाँ पे, देख पा रहे हैं काफ़ी स्वस्थ पशु इन्होंने जो है यहाँ पाली हुई हैं, भैंसे जो इनके पास में हैं, और ये इसी तरह से जो पशुओं को मैदान में चरा करके पालते हैं। कुलदीप जी जो है किसान हमारे साथ में जुड़े हुए थे और आप देख पा रहे हैं पशु जो है इनके हष्ट पुष्ट है और दूध भी अच्छा देते हैं। और इनके दूध की क्वालिटी की बात करें तो फैट से भरपूर होता है, स्वास्थ्य वर्धक होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इन मैदानों में जो चारा इनको मिल पा रहा है, हरी हरी दूब है, और बारिश का मौसम होने की वजह से आप पूरा मैदान जो देख पा रहे हैं घास से भरा हुआ है, और ये खुले में चर के ये पशु बहुत ही शानदार महसूस कर रहा है, खुशी महसूस कर रहा है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर जो पशु है। इसी तस्वीरों के साथ, इसी रिपोर्ट के साथ बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।